है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो पिछले लेक्चर में हमने टू प्लेट मोल्ड के बारे में देखा था, ठीक है। तो टू प्लेट मोल्ड को आप किस तरह से कंप्लीट बना सकते हो, तो उसके बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। तो उससे आपको एक थोड़ा रेफरेंस मिल गया होगा कि किस तरह से आप मोल्ड को बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्लाइडर मोल्ड के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमारे पास कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट में दो या तीन अंडरकट होंगे जिसको हमको स्लाइडर का इस्तेमाल करके हमको रिलीज करना है, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली बड़ा हो सकता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दो या तीन पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी मोल्ड को बनाने में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी मोल्ड को बनाने में आपको दो या तीन घंटे मैक्सिमम 4 आवर तो लगते ही हैं, ठीक है। तो मैं फिर भी इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा कि कहां से हम पार्टिंग लाइन सिलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट को श्रिंकेज देने के बाद उसकी कोर और कैविटी बनाएंगे, कोर और कैविटी बनाने के बाद उसमें जो भी अंडरकट है उस अंडरकट में के लिए हम कैसे स्लाइडर डिसाइड करेंगे कि स्लाइडर कहां कहां पर लगेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट में ये जो आपको तीन अंडरकट दिख रहे हैं, तो इसके लिए हमको स्लाइडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये अंडरकट है, इसके लिए आप स्लाइडर निकालोगे तभी ये इजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या अंडरकट है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसका गेट पॉइंट देंगे और उसके बाद ये कुछ आप बोल सकते हो कि यहाँ पर पिंस लगेंगी जो कि कोर पिंस होगी, ठीक है। यहाँ के लिए हमको एक इंसर्ट बनाना होगा जो कि कोर में अटैच होगा, ठीक है ये 90 पे और ये आसानी से इजेक्ट हो जाएगा। और ये जो सरफेस है इसके लिए भी हमें कोर पिन बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो छोटे जो होल हैं उसके लिए हमें कोर पिन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सरफेस है यहाँ से हम पार्टिंग लाइन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर एक स्केच को मैं पहले ले लेता हूँ। ठीक है, और एक ब्लॉक बना के देखता हूँ कि इतने ब्लॉक में हमारा ये कंपोनेंट आ जाएगा, एक इंसर्ट बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्केच को डिलीट कर देता हूँ और इसमें मैं एक श्रिंकेज प्रोवाइड करूंगा, मेरा फेवरेट मटेरियल पीपी पॉलीप्रोपिलीन। तो पॉलीप्रोपिलीन का मैं एक श्रिंकेज इसमें दे देता हूँ। तो पॉलीप्रोपिलीन का होता है श्रिंकेज कॉमनली 2%, तो यहाँ से मैं 2 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आई 0.02। 0.02 में 1 को मैं प्लस करता हूँ तो 1.02 मैं स्केल में दे देता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 1.02, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिलेक्ट करता हूँ, बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो कंपोनेंट में हमने श्रिंकेज दे दिया है जो कि यूनिफॉर्म श्रिंकेज है, ठीक है। अब ये जो अंडरकट है ये अंडरकट नहीं है, ये 90 में निकल जाएगा, मतलब ये सीधे डायरेक्ट कोर में या केविटी में से आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको ना कोई लिफ्टर या फिर स्लाइडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ
और मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली अगर आपको यहाँ पर डायमेंशन कम लगते हैं, अगर मैं 1 mm या 2 mm देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायमेंशंस गलत ले रहा हूँ। मैं सपोज आप मान के चलो कि मैं इसको इंचेस में बना रहा हूँ, ठीक है, तो डायमेंशन पे आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से कंसेप्ट बना रहा हूँ, और कंसेप्ट बना के मैं इसके स्लाइडर को इसमें से रिलीज करूँगा, निकालूंगा, ठीक है। तो मैं आप कोशिश कीजिए कि कंपोनेंट से जो भी इंसर्ट हो वो बराबर की डिस्टेंस में हो पूरी तरीके से। तो मैं सबको डायमेंशन देके सबको कंस्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10, ठीक है। तो ये स्केच बनाने के बाद हमारी बेसिकली पार्टिंग सरफेस बन जाएगी। तो ये कोर और केविटी का एक मिड पोर्शन है जहाँ पर कोर और केविटी आपस में मेट करेंगी, ठीक है। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से रीजन बाउंड्री लेता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए कि किस तरह से मैं इसके स्लाइडर को निकालूंगा। और मैं मॉडलिंग का ही इस्तेमाल करके इसके कोर और केविटी को मैं आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो हमारे पास कोर और केविटी होंगे। इसमें जितनी भी खाली जगह है, ये खाली जगह को मैं 1 mm का डिस्टेंस देके मैं सभी को भर दूंगा, ताकि मैं कोर और केविटी को आसानी से निकाल सकूं, ठीक है। तो मैं ये आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं इसको फील करूंगा, ठीक है। क्योंकि कोर और केविटी निकालने के लिए आपको जो सरफेस होती है वो कंप्लीट क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर ऑफसेट सरफेस का इस्तेमाल करके भी आप उसको बंद कर सकते हो, ताकि उसमें कोई पोर्शन बचे ना, ठीक है। तो फिर आप उसको बाद में यूनाइट कर दीजिए।
ठीक है, तो मैं सभी को मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ, और यहाँ पर कोर पोर्शन, कैविटी पोर्शन, ठीक है, तो आपको सभी चीज़ दिख रहा है, तो मैं उसको मूव करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से आप इस कंपोनेंट को के अंडरकट को आप रिलीज करोगे, निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो स्लाइडर बनाए हैं जिसको अभी हमने पूरा आकार नहीं दिया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसके पूरे कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, वैसे कंसेप्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमें अब इसमें सिर्फ एंगल प्रोवाइड कराना है, ठीक है, जो कि स्लाइडर में, और फिर हील ब्लॉक बनाकर इसको कंप्लीट मोल्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको 4 कैविटी मोल्ड बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोर कैविटी और सभी स्लाइडर हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसको 4 कैविटी मोल्ड बना सकते हैं, और सेंटर में हम इसका रनर और गेट पॉइंट भी डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे। तो मैं इन सबको, कोर और कैविटी को मैंने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया है, तो ये था दोस्तों स्लाइडर मोल्ड के बारे में। मैंने इस वीडियो में कंसेप्ट बताया है कि किस तरह से आप स्लाइडर किसी कंपोनेंट के लिए निकाल सकते हो और अंडरकट को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं इसकी आगे की प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से आप इसके स्लाइडर को कंप्लीट बनाते हो और उसके बाद उसमें हील ब्लॉक का इस्तेमाल करके आप उसको मूवमेंट दे सकते हो, और उसमें इजेक्टर पिंस कहाँ का लगेगी, किस तरह से आप कंपोनेंट को इजेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये कुछ आगे के वीडियो में हम देखेंगे, इसके 2 या 3 लेक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।